नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। परम पूज्य श्री माता जी निर्मला देवी प्रणीत सहज योग ध्यान आज विश्व के 150 से भी अधिक देशों में किया जाता है। वसुधैव कुटुंबकम जो हमारी भारतीय संस्कृति का मूल भाव है, उसी को चरितार्थ करने एवं भारतीय शास्त्रीय संगीत भजन नृत्य के माध्यम से योग की ध्यान विद्या को बताने 6 विभिन्न देशों एवं देश के विभिन्न राज्यों के सहज योग के साथ दिनांक 11 फरवरी दिन रविवार को रीवा के मानस भवन पधार रहे हैं। यह सभी भजन संगीत नृत्य की प्रस्तुति के साथ सहज योग ध्यान द्वारा आत्म साक्षात्कार का कार्यक्रम भी करेंगे। सहज योग ध्यान द्वारा हम हमारी कुंडलीन शक्ति का जागरण कर इसे उस शक्ति से जोड़ते हैं जो चराचर में फैली है और सारे जीवित कार्य करती है, जिसे हम अलग अलग नामों से जानते हैं, जैसे परमात्मा, ईश्वर इत्यादि। इस शक्ति के जागृत से मनुष्य अपनी सभी समस्याओं जैसे शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक एवं सामाजिक आदि को ठीक कर सकता है। सहज ध्यान पूर्णतः निःशुल्क है और हमारे रीवा शहर में भी इसके 2 ध्यान केंद्र रतहरा एवं गुड़हर में संचालित हैं। सभी जनमानस को सहज योग रीवा परिवार इस शक्ति की जागृत से प्राप्त सत्य एवं आनंद की अनुभूति के लिए आमंत्रित करता है। यह कार्यक्रम शाम को 5 बजे से प्रारंभ होगा। हम सहज योग ध्यान केंद्र रीवा से हैं और हमारे यहाँ मानस भवन में 11 फरवरी को, इसी 11 तारीख को, रविवार को योग हारा का एक प्रोग्राम होने का है, जिसमें सहज संगीत नृत्य इसके माध्यम से कुंडलनी जागरण का एक ध्यान का प्रोग्राम है, जिसमें देश और विदेश के लगभग 20 कलाकार और 20 सहयोगी भाई बहन इसमें सम्मिलित होंगे, जिसमें लगभग 6 से 8 लोग फॉरेनर्स हैं, विदेशी हैं, और बाकी 15 से 20 लोग जो अन्य हैं वो हमारे देश के विभिन्न प्रांतों से हैं। तो ये प्रोग्राम मानस भवन में होगा निश्चित रविवार को 11 फरवरी को शाम 5 बजे से। जी, ये एक ही दिन का प्रोग्राम है, मतलब शाम को 5 बजे से 7 बजे तक 2 घंटे का प्रोग्राम होने का। ये पूरी टीम जो है उत्तर भारत को कवर कर रही है। ये दिल्ली से, नोएडा से कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है और रीवा से पहले ये कार्यक्रम इलाहाबाद में होना है। तो अलग अलग राज्यों में हर वर्ष अलग अलग देशों से अधिक से अधिक संख्या में विदेशी भाई बहन आते हैं और वो जो हमारी सहयोग विधा है उसको परम पूज्य श्री माता जी निर्मला देवी, जिनका अभी हमने पिछले साल 100वां बर्थडे मनाया, उसी सौजन्य में ये लोग पिछले साल भी आए थे। लगभग 40 देश के भारी भाई थे, विदेशी भाई थे, और इस बार थोड़ा कार्यक्रम अलग अलग देशों में भी है, इस वजह से लगभग 6 अलग अलग देशों के भाई बहन यहाँ पर। सहयोग है क्या, उसकी ध्यान, वो ध्यान होता क्या है और उसके क्या फायदे हैं, कैसे ध्यान किया जाता है, उसको संगीत और भजन के माध्यम से और नृत्य के माध्यम से जो हमारी संस्कृति है, भरतनाट्यम है और जो हमारे कुचिपुड़ी है, ऐसे जो हमारे भारतीय संस्कृति के संगीत, उसके माध्यम से ध्यान क्या है और कुंडली कैसे जागृत होती है और आत्म साक्षात्कार क्या है, ये सब बताने को आएंगे। किन किन देशों के आएंगे, नाम बताएंगे।